अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जाए, सरकार हटती जाए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। 1 जुलाई 2015 देश ने देखा एक सपना। आई ड्रीम अब डिजिटल इंडिया where high speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. Before digital India, हम भाग रहे थे सरकार के पीछे। आज सरकार आ रही है हम तक। Before digital India, गरीब आदमी के पास बैंक अकाउंट नहीं, मतलब गरीब हमेशा साहूकारों के सहारे। आज 45 करोड़ 72 लाख से अधिक जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की कुल जनसंख्या से भी अधिक। बिफोर डिजिटल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकतर बाहर से इंपोर्ट करता था। आज भारत दुनिया का ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करता है। Before Digital India, इंडिया में only a few hundreds of startups. आज 70,000 के करीब startups भारत में। Before Digital India, देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर। आज 28 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का जाल। इन 7 सालों में देश ने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, तो हम पेंडेमिक को हरा पाए। पर दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आज डिजिटल इंडिया नहीं होता तो? डिजिटल इंडिया है तो आज इज्जत है। किसी के सामने हाथ फैलाए बिना डीबीटी से पूरा का पूरा पैसा सीधा खाते में आता है। सुन लो सरला, आ गई किसान सम्मान की तीसरी किस्त। अगर डिजी लॉकर नहीं होता तो मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल में नहीं होते। भाई साहब, मोबाइल डाटा एक प्लेट चाट से भी सस्ता हो गया, तभी तो हमारे बच्चे महामारी में भी घर बैठे पढ़ पाए। 5वीं पास हो चुका है बबलू। उमंग ऐप है तो 1500 से ज्यादा सरकारी सेवाएं हमारे उंगली को छोड़ पर रही। भला हो जो कोविन ऐप था तो हाथों हाथ टीके लगे। डिजिटल इंडिया नहीं ले लाइफ सर्टिफिकेट बना बोले भी ना पड़े टेबल टेबल बिराई थकबो। डिजिटल इंडिया हा कारण गोटे भी बना पड़े पेंशन भी आहिसे सभी। इफ देर वॉज नो डिजिटल इंडिया टुडे मोबाइल फोन शुड नॉट हैव बीन मेड इन स्मॉल टाउन्स। देर इज नो ड्रीम ऑफ अ यूनिकॉर्न इन नागालैंड विदाउट डिजिटल इंडिया। कोरोना महामारी के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो मदद मिली ना, उसी ने तो मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई। इन 7 सालों में हम लाइन से ऑनलाइन और क्यू से क्यूआर तक तो आ गए हैं। आज दुनिया के 40% डिजिटल लेन देन अकेले भारत में हो रहे हैं और हम लगातार यूपीआई ट्रांजैक्शंस के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टेलीमेडिसिन आज गांव गरीब के पास है। 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विसेज सेंटर्स देश के कोने कोने में ई सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वन नेशन वन राशन कार्ड का सपना साकार हो रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से हमारा यूथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर करने के सुझाव और इनोवेशन दे रहा है। पहले दुनिया टेक्नोलॉजी बनाती थी, हम इस्तेमाल करते थे। आज हम दुनिया के ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब भारत का लक्ष्य है 100%। आने वाला डेकेड होगा टेकेड, जब सभी 130 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़े होंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से डिजिटल होगी और सभी योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक हाथों हाथ पहुंचा रही होगी। कोई छूटेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे।
AI, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स सेक्टर्स में लाखों स्टार्टअप्स मशरूम हो रहे होंगे। भारत की स्किल दुनिया के काम आएगी। गली गली से टेक्नो स्टार्स निकलेंगे जो भारत को दुनिया का टेक्नोलॉजी टैलेंट हब बनाएंगे। 2025 तक हम छलांग लगा चुके होंगे $1 trillion डिजिटल इकोनॉमी की ओर। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। डिजिटल इंडिया कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज़ डेकेड। जय हिंद।